जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको ज्योतिष के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करते हैं, बिल्कुल सटीक और सही जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नीचे हैं उसे दबाएं और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, और जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स में खुलकर आप लिख सकते हैं। हम आज बात करने वाले हैं आपकी राशि के लिए कि खुल सकती है आपकी किस्मत। थोड़ा विषय बहुत गंभीर है और थोड़ा आपके लिए भी अच्छा होगा कि ये जो दिन अभी चल रहे हैं, आगामी 2-4 मंथ जो आने वाले हैं, और राहु की भी स्थिति बड़ी चेंजिंग है, तो एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन और ओवरऑल व्यू पॉइंट, ये एक बात निकल कर बाहर आ रही है कि आपकी राशि के लिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन के लिए मिल सकता है। कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, कोई बड़ा ठेका मिल सकता है, या जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है उनकी शादी हो सकती है, या जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, वो नौकरी कर पाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। और जो परेशानी, जिस भी रिलेटेड आपकी जो समस्या है इस दरमियान जो आपके साथ चल रही है, उसका शायद समाधान आपको मिल सकता है। और ये टाइम पीरियड बहुत लॉन्ग टर्म का है, 1 साल 2 साल, ये जो समय जैसे राहु अप एंड डाउन हुआ है, तो 18 महीने, 20 महीने, 26 महीने इसके परिणाम आपको देखने को मिलते रहेंगे। चाहे आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, लेकिन इस बात को आप जान लें कि 18 महीने 20 महीने तक का जो एक टाइम पीरियड है, ये बहुत बहुत अच्छे परिणाम आपके साथ लाएगा। इसके आपको अच्छे परिणाम भी दिखना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त निकलेगा, 10 20 25 दिन, तो एक संकेत मिलेंगे आपको, मौके भी मिलेंगे। उन मौक़ों को हमें अभी छोड़ना नहीं है, उन मौक़ों को ग्रिप करना है, पकड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। और मुझे नहीं लगता कि इस मौके के अलावा फिर मौका आए। 1 साल 2 साल जो है, 24 महीने 18 महीने, ये जो अभी आने वाला जो टाइम पीरियड है, ये बहुत अच्छा है और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बिल्कुल सत्य पर तत्परता से मैं ये बात आपके लिए कह रहा हूँ। बस आपको इस दरमियान ईश्वर का जप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, रोज़ मंदिर जाए, दर्शन करें, बिल्कुल माइंड को पॉजिटिव रखें, विवादों से दूर रहें, पैसों को सुरक्षित रखें, मतलब सेविंग्स पर ध्यान दें और बेफिजूल खर्चे से रोक लगाएं, जागरूक रहें, सजग रहें, ये भी एक बात आप ध्यान रखें, किसी के बहकाव में ना आए। तो ये पूरी बात मैंने आपसे शेयर की, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री महाकाल।